दोस्तों ईओडब्ल्यू पर मतलब कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग पर हमने पहले भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं और कई सारे वीडियोस के माध्यम से आपके सभी जितने भी आपने सवाल पूछे थे सभी के जवाब को देने की कोशिश की है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। दोस्तों है क्या कि जब भी किसी पर कोई केस होता है ईओडब्ल्यू का तो मामला 3 करोड़ से ऊपर का होता है और उसमें कंप्लेनेंट्स काफी ज्यादा होते हैं और ऐसे में जो सेक्शंस ऐड कर दिए जाते हैं आप पर वो दो तरह से हो सकते हैं, या तो 420, 406, 120B हो सकता है किसी एफआईआर में, या फिर 420, 409, 120B हो सकता है, या हो सकता है कि अगर डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्जरी भी की है तो यहाँ पर 467 और 468, 471, 120B मतलब ये भी ऐड करे जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है केस टू केस। पर ऐसे मामलों में ये सेक्शंस बोलते क्या हैं, क्योंकि हमारे पास अक्सर सवाल ये भी आते हैं कि सर ये सेक्शंस तो हैं बट ये सेक्शंस बोलते क्या हैं, इनमें सजा कितनी है, क्या प्रावधान है, क्या पेनल्टी लगाते हैं इसके अंदर, या क्या पुलिस हमें नोटिस देगी, ये अनिवार्य है कि नहीं, और साथ ही बेल कब तक होती है इसके अंदर, और भी बहुत सारी चीजें इसमें पूछी जाती है। दोस्तों होता क्या है कि ईओडब्ल्यू के मामलों में वैसे तो ये मामले बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, इसमें जल्दी से बेल होती नहीं है, कंप्लेनेंट आपके सामने है और साथ में कंप्लेनेंट के साथ साथ उनके वकील भी सामने होते हैं और कंप्लेनेंट बहुत सारे होते हैं, पैसे का मामला होता है, इसीलिए कोर्ट्स भी इसको बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से देखती है और जल्दी से बेल ग्रांट करती नहीं है सामने वाले को। पर इन सेक्शंस के बारे में स्पेसिफिकली आज हम बात करेंगे, ये सेक्शन क्या बोलते हैं, सजा कितनी है, पेनल्टी है या नहीं, और किस तरह से आप बेल लेंगे, इन सब पर चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए ईओडब्ल्यू के सेक्शंस के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों हमने बहुत सारी वीडियोस अब तक बनाई है चीटिंग, फॉर्जरी और ईओडब्ल्यू के जो मामले होते हैं, कैसे आप बेल लेंगे, कैसे एंटीसिपेटरी बेल लेंगे, कैसे केस को जीतेंगे, बहुत सारी वीडियोस हमारे इसी चैनल पर अवेलेबल है। वो वीडियोस भी अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, आपके केस से बाहर निकलने में आपकी बहुत मदद करेगी। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं आईपीसी का सेक्शन 420 के बारे में। आईपीसी द इंडियन पिनल कोड 1860 का एक कानून है जो कि अब बदला जा रहा है, अब जो नया कानून आएगा उसमें सेक्शंस ये बदले हुए हैं, पर अभी काफी टाइम तक सेक्शंस पे ही काम होगा। तो 420 आईपीसी को आप समझिए जो कि चीटिंग के बारे में बात करता है, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें सजा की अगर हम बात करें तो सजा होती है 7 साल तक की, 7 साल तक का मामला है और इसके अंदर 41A का नोटिस देना अनिवार्य है। ये जो मामले होते हैं कॉग्निजेबल होते हैं, मतलब कि इसमें सीधा पुलिस आपको अरेस्ट भी कर सकती है, नॉन बिलेबल दोस्तों मामले होते हैं, और दोस्तों जो इसका ट्रायल चलता है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चलता है, 7 साल तक इसमें सजा होती है, कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है, कंपाउंड आप इसमें कर सकते हैं। इसमें जानने वाली जो बात है, बहुत ज्यादा जरूरी जो बात है जो आपको जाननी चाहिए, वो है 41A का नोटिस। जब भी कोई 420 का मामला होता है तो यहाँ पर 41A का नोटिस देना मैंडेट प्रोविजन है, देना ही पड़ेगा पुलिस को। अगर पुलिस बिना नोटिस दिए किसी को अरेस्ट करती है तो ये इल्लीगल अरेस्ट है जिसका आप विरोध कर सकते हैं। दोस्तों अपने देश में जो भी कुछ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला जाता है, जो भी गाइडलाइन आती है, जो भी ऑर्डर्स होते हैं, देश का कानून बन जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, आर्टिकल 141 यही बोलता है। और यहां पर तो जजमेंट खड़े हो जाते हैं 420 के मामले के साथ में अगर आपको नोटिस नहीं दिया। एक तो है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का जजमेंट है, और एक जजमेंट है सतेंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई जो मामला आया 2022 में। इन दोनों में ही बताया गया कि 420 का अगर मामला होगा तो यहां पर 41A का नोटिस देना अनिवार्य है, 41A का नोटिस देना पड़ेगा, 7 साल तक की सजा का प्रावधान है जिसे आप कंपाउंड भी कर सकते हैं। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब हैं, कोई भी लॉ स्टूडेंट हैं, या फिर कोई केस आप पर हुआ है ईओडब्ल्यू का, या आपका कोई सगा संबंधी जानकार जेल में है, या फिर उस पर कोई केस हुआ है, वीडियो आपके बहुत काम का है। सभी सेक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, 420, 406, 120B, या फिर 420, 409, 120B, और हम जो कुछ आपको बता रहे हैं वो पर्सनल अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं, जितने हमने केसेस अब तक फाइट किए, क्या क्या उन केसेस में हुआ, उसके आधार पर बातें आपको बताई जा रही है। कोई भी सलाह चाहते हैं, सजेशन चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें या हमें व्हाट्सएप करें, हो सकता है हमारी कोई सजेशन, हमारी कोई सलाह आपके केस से आपको बाहर निकलने में मदद कर सके, बरी करा सके, या फिर आपकी बेल करा सके। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं आईपीसी का सेक्शन 406 क्या बोलता है, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, किसी का भरोसा तोड़ने पर यह सजा की बात करता है, जिसमें सजा का प्रावधान है 3 साल तक का, 3 साल तक की सजा हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, नॉन बेलेबल ये ऑफेंस होता है, ट्रायबल बाय
फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है, कंपाउंडेबल है, इसमें आप कंपाउंड कर सकते हैं, मतलब कि राजीनामा आप कर सकते हैं। 406(7) में लगता है अगर आपने किसी का भरोसा तोड़ा तो इसके अंदर भी 41A का नोटिस देना ही पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बताया 420, 406, 120 भी अगर लगा हो तो ऐसे में आपको पुलिस पहले नोटिस देगी 41A का, उसके बाद ही पुलिस अरेस्ट कर सकती है, सीधा आपको अरेस्ट नहीं करेगी। अगर सीधा अरेस्ट कर लिया तो ये मामला सीधा इलीगल अरेस्ट के लिए चला जाएगा। अब हम बात करते हैं 409 जो सभी को अटका देता है और इसी की वजह से लोगों की बेल नहीं हो पाती ईओडब्ल्यू के केसेस में, क्योंकि ये 409 ये बोलता है कि ऐसे जो मामले होंगे उसमें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होगा, मतलब कि उम्र कैद तक की सजा होगी, जो इम्प्रिजनमेंट 10 साल की भी हो सकती है, फाइन भी लगाया जा सकता है और ये कंपाउंडेबल नहीं है, मतलब कि इसमें राजीनामा आप नहीं कर सकते। अगर मामला 420, 409, 120 भी का लगा है तो राजीनामा नहीं होगा आपका, बट फिर भी कई सारे मामलों में राजीनामा करके आप अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो वहां पर ये बात मानी जा सकती है और आपको रिलीज किया जा सकता है, क्योंकि राजीनामा तो 307 में भी नहीं हो सकता फिर भी वहां पर बेल होती है, राजीनामा तो 467 में भी नहीं हो सकता फिर भी वहां बेल होती है। तो आप ये देख के डरे नहीं, अगर आप कंपाउंड कर लेते हैं, पैसा सामने वाले का वापस दे देते हैं तो कंपाउंड किया जा सकता है, हालांकि इसमें लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट का प्रावधान है। ऐसे में आपको पुलिस 41A का नोटिस नहीं देगी, सीधा आपको अरेस्ट कर जेल भेज देंगे। पर अगर डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं है पुलिस के पास, स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं है पुलिस के पास आपके अगेंस्ट, तो ऐसे में 41A का नोटिस पुलिस को देना ही पड़ेगा आपको। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं 120B के बारे में, जो बहुत सीरियस ऑफेंस बनता है, क्योंकि आप चीटिंग वगैरह सब कुछ हटवा भी दोगे तो यहाँ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जो बात आती है, पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र रचना, उसके मामले में 120B IPC लगता है, जिसकी सजा का अगर हम बात करें तो ऐसे में लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है जो 2 साल तक का हो सकता है। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट वाले मामले की, तो वो मामले बहुत सीरियस नेचर के होते हैं, जैसे किसी की डेथ में, मतलब किसी का मर्डर हुआ वहां पर आपने कोई कॉन्स्पिरेसी रच दी, या 307 का मामला है, बहुत बड़े बड़े मामलों में ही लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट होता है, वरना यहां पर 2 साल तक की रिग्रेस इंप्रिजनमेंट देकर सामने वाले को छोड़ दिया जाता है। तो ये 120B भी एक सीरियस नेचर का अपराध बन जाता है। जो मैंने आपको सेक्शंस बताए हैं जिसमें जितनी जितनी सजा होती है मैंने आपको बताई है, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई किस तरह के सवाल है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें या फिर हमें व्हाट्सएप करें, हो सकता है हमारी कोई सलाह आपके काम आ सके। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें और हमारे वीडियो को भी ज्यादा शेयर करें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की जानकारी आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।